पाकिस्तान हाय हाय 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 देखिए, मेरा नाम राकेश बजरंगी है। मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मैं अपने 5 वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अपनी टीम की ओर से, और मैं भगवान जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि इन वीर सैनिकों के परिवारों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की जो है वो शक्ति प्रदान करे, और इन वीर सैनिकों को भगवान अपने चरणों में जो है वो स्थान दे। आज हम जो जहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ है और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ है। आज हमने यहाँ पर पाकिस्तान और महबूबा मुफ्ती का पुतला फूका है। हम पाकिस्तान से लगातार ये पाकिस्तान को चेतावनी देते आए हैं कि पाकिस्तान अपनी इन नापाक हरकतों को छोड़े और सुधर जाए। लगातार अपने धरती से आतंकवादी को प्रशिक्षित करके जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर ये पाकिस्तान जो है वो भेज रहा है। कल की घटना, 5 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं पुंछ के अंदर, जो एक बहुत बड़ी क्षति जो है हमारे देश को पहुंची है। हम केंद्र सरकार से आज अपील करने आए हैं कि इस पाकिस्तान को छठी का दूध जो है वो याद करवाया जाए। दो ही विकल्प है अब केंद्र सरकार के पास, एक एयर स्ट्राइक और एक सर्जिकल स्ट्राइक। इस पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाने का जो समय है वो आ चुका है। हम महबूबा मुफ्ती को भी चेतावनी देने आए हैं। वैसे तो कब तक हम इसको चेतावनियां देते रहेंगे, क्योंकि वो भी बहुत बेशर्म है। लगातार वो बेशर्मी की सारी हदें पार कर रही है। लगातार उसका प्रेम जो है वो पाकिस्तान के प्रति जो है वो सामने आ रहा है। कल भी मीडिया के माध्यम से सामने आया कि वो पाकिस्तान किसे बातचीत करने के लिए कह रही थी। इधर हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को भेजकर हमारे सैनिक शहीद कर रहा है, और उसके बाद वो लगातार जो है वो पाकिस्तान से बातचीत करने का जो है राग अलपा रही है। हम लगातार ये मांग जो है केंद्र सरकार से करते हैं कि ऐसे नेता, ऐसे देशद्रोही नेता जो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आते हैं, उनको जेल के पीछे भेज देना चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। ये मांग हम केंद्र सरकार से कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान के अंदर अटैक किया जाए और इस्लामाबाद के अंदर तिरंगा फहराया जाए। ये मांग लेकर हम आज केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं, इसलिए आज हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं।